वेलकम टू ऑल। आई एम डॉक्टर ममता चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज का टॉपिक है एस्कोकाइटा ब्लाइट ऑफ चिकपी या चने में एस्कोकाइटा ब्लाइट रोग। ब्लाइट का मीनिंग होता है नेक्रोसिस होना, यानी ऊतकों का क्षय होना। तो जब चने की पत्तियों में, तने पे और फ्रूट्स पे, जो कि पॉड होते हैं, इन पर जब टिश्यू नष्ट होने लगते हैं तो ब्राउन स्पॉट नज़र आते हैं। तो ब्लाइट क्या है? ब्राउनिंग ऑफ फॉलेज पार्ट और एंड स्टेम पार्ट। इंट्रोडक्शन। पल्सेस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेबल प्रोटीन फूड फॉर द पुअर एंड द वेजिटेरियंस, विच कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। India's outstanding contribution towards total global acreage and production of pulses at 35% and 27% respectively. India is the world's largest producer and consumer of pulses, accounting about 27% of the total production and about 30% of the total consumption in the world. एस्कोकाइटा ब्लाइट कॉज्ड बाय एस्कोकाइटा रेवियाई। ग्रेन यील्ड एंड क्वालिटी लॉसेज अप टू 100%। द अक्रेंस ऑफ एस्कोकाइटा ब्लाइट ऑफ चिकपी हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम 35 कंट्रीज अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स। 20 एपिडेमिक्स रीजन अकर्ड इन पाकिस्तान, इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज। एस्कोकाइटा ब्लाइट जो रोग है वो एस्कोकाइटा रेवियाई फंगस के द्वारा होता है, और इस डिज़ीज़ के कारण जो ग्रेन ईल्ड है चने की वो 100% तक ख़त्म हो सकती है। एस्कोकाइटा ब्लाइट काफ़ी कॉमन डिज़ीज़ है और ये वर्ल्ड के 35 कंट्रीज़ में रिपोर्टेड है, जिसमें से 20 एपिडेमिक रीजन्स जो हैं वो इंडिया, पाकिस्तान और यूरोपियन कंट्रीज़ में आते हैं। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। The disease is worldwide in distribution, first described in India by Butler in 1911 and occurs in epidemic forms in Punjab and Jammu. The occurrence of Escocarita blight of chickpea has been reported from 35 countries across 6 continents, as we read. In 1998, there was a serious outbreak of the disease in Victoria, South Australia and New South Wales, which destroyed many crops. Significance: chickpea is the third most important food legume crop. It is grown in 11 million hectare with 9 million ton production. Escocarita blight of chickpea is caused by fungal pathogen Forma rabii, formerly known as Escocarita rabii. Grain yield and quality losses up to 100%. एस्कोकाइटा ब्लाइट ऑफ चिकपी जो है, इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है कि ये लेग्यूम क्रॉप्स में से थर्ड स्थान पे आता है चना, और ये जो डिजीज़ है चने में ये एस्कोकाइटा रेबियाई या फोमा रेबियाई के द्वारा उत्पन्न होती है, और इस रोग के कारण जो ग्रेन ईल्ड है वो 100% तक ख़त्म हो सकती है, यानी ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ है। सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ फंगस एस्कोकाइटा। किंगडम फंजाय, फाइलम एस्कोमाइकोटा, क्लास डोथिडियोमाइसिटीज, सब क्लास प्लियोस्पोरोमाइसिटीडी, ऑर्डर प्लियोस्पोरेस, फैमिली डाइडीमिलेसी, जीनस एस्कोकाइटा एंड स्पीशीज रेबियाई। जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन है एस्कोकाइटा, ये एनामॉर्फ या टीलियोमॉर्फ दोनों प्रकार का होता है, और इसका जो माइसीलियम है वो पेल क्रीम कलर का होता है। फ्रूटिंग बॉडीज़ जो हैं इसमें दो तरह की बनती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है पिक्निडिया का निर्माण होता है। पिक्निडिया क्या है? एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है,
और जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनता है इसमें वो होता है स्यूडोथीशिया, जो कि फ्रूडिंग बॉडी है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो स्पोर्स बनते हैं वो पिकनीडिया के अंदर बनते हैं और ये स्पोर्स वो कहलाते हैं पिकनीडियोस्पोर्स, जबकि स्यूडोथीशिया में जो स्पोर्स बनते हैं वो कहलाते हैं एस्कोस्पोर्स। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो ये स्यूडोथीशिया है और इसके अंदर आपको इसमें ये एस्कोस्पोर्स दिखाई दे रहा है और इस एस्कोस्पोर्स में आपको एस्कस दिखाई दे रहा है और इसमें आपको एस्कोस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। डिजीज साइकिल की बात करें अगर हम एस्कोकाइटा ब्लाइट की, तो इसका इन्फेक्शन जो है सीड के थ्रू होता है। अगर सीड में माइसीलियम जीवित है तो जर्मिनेशन के साथ साथ जो माइसीलियम है वो ग्रो करेगा और पूरे प्लांट पार्ट में फैल जाएगा माइसीलियम। माइसीलियम के फैलने के बाद माइसीलियम जो है वो एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर पिकनीडियम का निर्माण करेगा। इस पिकनीडियम में जो स्पोर्स बनते हैं वो कहलाते हैं पिकनीडियोस्पोर्स, और ये पिकनीडियोस्पोर्स जो है पिकनीडियम से बाहर निकलकर वापस से इन्फेक्शन करते हैं चने में। दूसरा जो इन्फेक्शन का सोर्स है वो है एस्कोस्पोर्स, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण बनते हैं। तो अगर कोई रेजिड्यू है उसमें अगर माइसीलियम पाया जाता है तो ये माइसीलियम जो है एक स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसे कहते हैं स्यूडोथीशियम। स्यूडोथीशियम में एस्कस का निर्माण होगा और इन एस्कस से में एस्कोस्पोर्स पाए जाएंगे। ये एस्कोस्पोर्स जो है एस्कस से फ्री होकर चने के पौधे को इन्फेक्ट करते हैं। सिम्टम्स या रोग लक्षण, द इनिशियल सिम्टम ऑफ द डिजीज अपीयर्स नियर द टिप ऑफ यंग शूट एंड टॉप मोस्ट लीव्स। द फंगस अटैक्स ऑल अबाउ ग्राउंड प्लांट पार्ट लाइक लीव्स स्टेम्स पोड्स एट एनी स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ, बट प्लांट्स आर मोस्ट ससेप्टेबल टू डिजीज ड्यूरिंग फ्लावरिंग। पेल ग्रीन येलो सर्कुलर डिप्रेस लीजन्स अपीयर्ड ऑन लीव्स एंड पोड्स। जो रोग लक्षण हैं चने में जो एस्कोकाइटा के कारण उत्पन्न होते हैं, तो सबसे पहला जो रोग लक्षण होगा वो होगा यंग शूट के टिप पर, और जो टॉप की जो लीव्स हैं या शीर्ष भाग में जो लीव्स पाई जाती हैं उन पे सबसे पहले सिम्टम दिखाई देते हैं। फंगस जो है ये अबव ग्राउंड प्लांट पार्ट जितने भी हैं जैसे कि लीव्स स्टेम पॉड्स इन सब पर अटैक करता है, और फ्लावरिंग के टाइम जो ये प्लांट है ये रोग के प्रति अधिक संवेदी हो जाता है। पैथोजन के कारण पत्तियों पर पॉड्स पर ग्रीन येलो कलर के गोलाकार और डिप्रेस्ड लीजन्स या घाव नज़र आते हैं। पिटियोल्स और स्टेम पर जो लीजन्स या घाव होंगे वो लंबवत या इलोंगेटेड होंगे। स्टेम लीजन्स ऑफन ग्रिडल द स्टेम ऑफ द प्लांट। पिकनीडिया में भी फॉर्म्ड ऑन दीज लीजन्स यूजली इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। इसमें इन लीजन्स में जो पिकनीडिया का निर्माण है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के रूप में दिखाई देता है, यानी इसमें संकेंद्रीय वलय दिखाई देते हैं। जो नेक्रोटिक एरियाज होते हैं उनमें संकेंद्रीय वलय या कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई देती हैं। इन्फेक्टेड सीड में डिसकलर्ड श्रीवल्ड एंड पिकनीडिया में भी प्रेजेंट ऑन सच सीड्स। जो भी रोगयुक्त बीज होंगे चने के उन पे रंगीन संकुचित बीज बनते हैं या बीजों का कलर जो है डिसकलर और श्रीवल्ड हो जाता है, और इस तरह के सीड्स में पिकनीडिया देखे जा सकते हैं। जैसा कि हमने भी पढ़ा कि स्पोर्स दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स कहलाते हैं पिकनीडियोस्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स कहलाते हैं एस्कोस्पोर्स। द कोनिडिया आर ओवल टू ऑब्लोंग 1 to 2 सेल्ड थिन बॉल्ड एंड हाइलाइन बट पिंकिश इन मास एंड मेजरिंग 9 to 20 into 3 to 6 माइक्रोन। कोनिडिया का जो शेप होता है वो अंडाकार से ऑब्लोंग होता है और 1 to 2 कोशिकीय होते हैं। इनकी जो वॉल है वो पतली होती है
और ये काचा प्रकार के होते हैं और कलर इनका पिंकिश होता है। और वाटर में ये जर्मिनेट होते हैं जर्म ट्यूब के द्वारा। इसमें देखो, इसमें आप देख सकते हैं जो नेक्रोटिक एरिया है वो ब्राउन कलर के आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो चने का जो पौधा है उसमें जो पत्तियां हैं आपको वो उन पर ब्राउनिंग स्पॉट्स दिखाई देते हैं। स्टेम्स के अंदर भी आपको ये ब्राउन एरियाज जो दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं नेक्रोटिक एरियाज। पॉड पर जो ये नेक्रोटिक एरियाज हैं ये सकेंद्रीय वलय या कंसेंट्रिक रिंग के रूप में दिखाई देते हैं और कंसेंट्रिक रिंग्स वहीं बनती हैं जहाँ पे पिकनीडिया का निर्माण होता है। पत्तियों पर भी कई सारे नेक्रोटिक एरियाज दिखाई दे रहे हैं जिससे पत्ती का कलर जो है भूरा हो जाता है। कोनिडिया, जैसे कि हमने भी पढ़ा कि कोनिडिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओवल से ऑबलोंग होता है, तो इसमें आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये कोनिडिया हैं। पिकनीडिया का स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई दे रहा है। जो फ्रूटिंग बॉडी होती है इसमें वो होती है स्यूडोथीशिया, और स्यूडोथीशिया में एस्कस पाए जाते हैं और इन एस्कस में एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। डिजीज साइकिल जो है वो हम अभी पढ़ चुके हैं। एपिडेमियोलॉजी एंड मोड ऑफ स्प्रेड, यानी रोग का फैलाव, जो प्राइमरी स्प्रेड है वो सीड ट्रांसमिशन इंश्योर्स रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैथोजन इन ए फील्ड। सेकेंडरी स्प्रेड, कोनिडिया एंड एस्कोस्पोर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ द डिजीज। इट मे ऑल्सो बी डिस्पर्स बाय रेन स्प्लैशेस, विंड, वाटर फ्लो एंड कंटेमिनेटेड मशीनरी। तो प्राइमरी स्प्रेड जो होगा इसका बीजों के द्वारा होगा, यानी बीजों में अगर माइसिलम होगा एस्कोकाइटा फंगस का तो वो माइसिलम प्लांट के ग्रोथ के साथ साथ वृद्धि करेगा और पूरे प्लांट में फैल जाएगा। जो सेकेंडरी स्प्रेड है वो कोनिडिया के द्वारा होता है जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, और एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है जो कि सेक्सुअल स्पोर्स हैं। और ये जो कोनिडिया और एस्कोस्पोर्स हैं ये वर्षा, हवा या वाटर फ्लो के द्वारा फैल जाते हैं और डिजीज़ का फैलाव करते हैं। द फंगस सर्वाइव्स ऑन द इन्फेक्टेड सीड्स एंड प्लांट रेजिड्यूज। द फंगस सर्वाइव्स फॉर सम टाइम इन द होस्ट टिश्यू बोथ इन द फॉर्म ऑफ पिकनीडिया एंड पेरिडिया एंड पेरिथीशिया। इट इज़ सीड बॉर्न बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो फंगस जो है वो इन्फेक्टेड सीड्स में और प्लांट रेजिड्यू में सर्वाइव करती है, और कई बार ये होस्ट टिश्यू में भी सर्वाइव करती है। किस रूप में? पिकनीडिया, पेरिडिया और पेरिथीशियम के रूप में। और ये जो एस्कोकाइटा ब्लाइट डिजीज़ है ये सीड बॉर्न डिजीज़ है क्योंकि ये बीजों के द्वारा उत्पन्न होती है, यानी बीज में एस्कोकाइटा का जो माइसिलम है विद्यमान होता है, जैसे सीड जर्मिनेट होता है उसके साथ साथ माइसिलम भी ग्रोथ करता है। फेवरेबल कंडीशंस जो हैं इस रोग के लिए वो है कि टेम्परेचर जो होगा वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर लीफ जो है वो 10 टू 17 आवर वेट होती है तो ये डिजीज़ को बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट होती है। द रेनफॉल शुड बी मोर देन 350 mm एंड फॉलोड बाई हाई ह्यूमिडिटी फेवर दिस डिजीज़। अगर रेनफॉल जो है वो 350 mm से ज़्यादा है और एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ये रोग तेज़ी से फैलता है। डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए डिजीज़ मैनेजमेंट किया जाता है। तो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि जो बीज है वो डिजीज़ फ्री या रोग मुक्त जो बीज है उन्हीं को बोया जाए ताकि डिजीज़ उत्पन्न ही ना हो। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन किया जाए,
क्योंकि ये प्लांट डेब्रिस के अंदर माइसीलियम जीवित रहता है, तो इसके लिए आवश्यक है कि क्रॉप रोटेट की जाए, यानी जिस साल आपने चने की फसल बोई है उसके अगले साल आप दूसरी फसल बोएं, इससे गैप आ जाएगा और डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा चने के साथ अगर गेहूं, बारले और मस्टर्ड इसको बोया जाए तो भी डिजीज़ का जो प्रभाव है वो कम किया जा सकता है। क्योंकि ये सीड बॉर्न डिजीज़ है, इसलिए आवश्यक है कि बीजों को बोने से पहले उनका सीड ट्रीटमेंट किया जाए। तो सीड ट्रीटमेंट करने के लिए जो फंजीसाइड है वो यूज़ की जाती है कार्बन डाइजिन, और इसकी जो मात्रा यूज़ की जाती है वो 1 किलो पर किलोग्राम सीड के लिए यूज़ की जाती है। डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट भी किया जाता है, जिसमें जो चने के जो बीज हैं उनको 52 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए रखा जाता है, ताकि जो माइसीलियम है वो हॉट वाटर के कारण नष्ट हो जाए। इसके अलावा कई सारे फंजीसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि मैनकोजैब, और इसकी मात्रा ली जाती है 2.5 ग्राम पर लीटर। डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ यूज़ की जाए। अब ये जो डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हैं वो हैं पूसा 408, पूसा 417, ICL 6328। ये जो डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हैं इनका यूज़ करके भी डिजीज़ को, जो एस्कोकाइटा ब्लाइट डिजीज़ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्कोकाइटा ब्लाइट ऑफ ग्राम और चिकपी। थैंक यू।